हाँ, लगातार आप देश भर में दौरे कर रहे हैं, हम देखते हैं कई बार आप अभी केरल भी आप गए, पश्चिम बंगाल आप जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की फिजाएं क्या लगता है आपको कि बदलेंगी या बदल रही है? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो चुके हैं जी, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर जिस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया है, विकास जिस तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है, वेस्ट बंगाल का नागरिक भी उसी प्रकार की विकास की अभिलाषा रखता है। उसे भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चाहिए, वहां के नागरिकों को भी आयुष्मान भारत का लाभ चाहिए, वहां के नागरिकों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा का लाभ चाहिए, वहां का नागरिक भी जी उस हर योजना प्रधानमंत्री आवास योजना पाने का अभिलाषी है, वहां का नागरिक भी रोजगार पाने का अभिलाषी है, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी की सरकार ने इन विकासपरक योजनाओं को वहां लागू नहीं होने दिया। लेकिन टीएमसी कहते हैं कि बाहर के लोग आ रहे हैं बंगाल में और माहौल खराब कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कहा जा सकता है कि वहां पे सत्ता प्रायोजित अपराध है जी, और सत्ता प्रायोजित अपराध किस तरीके से संचालित होता है इसका जीता जागता नमूना है पश्चिमी बंगाल की सरकार और वहां के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, आज मैं एक तस्वीर देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता की मां, बुजुर्ग मां, मुझे लगता है 90 साल से बुजुर्ग मां के साथ किस प्रकार की बर्बरता टीएमसी के गुंडों ने ढाई है, ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई? राजनीति में आपको मेरी बात पसंद नहीं है, आप अपनी बात पब्लिक के सामने रखिए, फैसला तो जनता को करना है, चुनाव में फैसला सरकार नहीं तय करती है, जनता तय करती है, जनता लोकतंत्र की जनार्दन है जी। तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल, केरल, सब जगह दौरे होंगे। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी, जनता ये मानस बना चुकी है और मैं मानता हूं कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। असम के अंदर बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ फिर से वापस आएगी। बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, कोई ध्रुवीकरण हर जगह ये कहा कि योगी कहां कहां उपयोगी होंगे, ये केरल में बंगाल में ये भी सवाल उठा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कर्मयोगी है जी, हर कार्यकर्ता ने काम किया है और मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ काम किया है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होते हैं, अन्य राज्यों से भी कार्यकर्ता आते हैं, जब उन राज्यों में इलेक्शन होते हैं हम लोग भी एक कार्यकर्ता के रूप में वहां जाते हैं जी, हम नेता नहीं एक कार्यकर्ता के रूप में वहां जा रहे हैं और अपनी बात को वहां रखेंगे। भाई हमने तो सफलतापूर्वक एक मॉडल खड़ा किया है, वेस्ट बंगाल कभी वेस्ट बंगाल एक देश के अंदर महाराष्ट्र के पैरेलल एक इकोनॉमी हुआ करती थी, आज वेस्ट बंगाल कहां पहुंच गया है, क्या दुर्गति हो गई है। नहीं, लेकिन ये सवाल तो आपके विचार परिवार पर भी करता है कि जिस वंदे मातरम को लेकर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने की बात करते हैं और उस पश्चिम बंगाल में आप सरकार नहीं बना पाया, 2020 तक इंतजार करना पड़ा, अभी भी आप इंतजार की दहलीज पर खड़े हैं, अभी ये नहीं कह सकते कि आपका इंतजार पूरा हो गया है। आप याद करिए, हमने 2019 से पहले त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा में वामपंथी सरकार कब से चली आ रही थी, 33 वर्षों से जी, उस त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो थर्ड मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है, असम के अंदर बनाई है, मणिपुर के अंदर बनाई है, अरुणाचल के अंदर बनाई है, अब वहां से घूमते घूमते बंगाली तो आना है जी, तो हमारे लिए तो बंगाल अब नजदीक है, हम एक तरफ से पूरब से ही आ रहे हैं जी, और वह कार्य करते करते वहां आए हैं बंगाल में। आप इस बार मानस, जनता का मानस तय चेंज करने के लिए उतावला है, आज तय करेंगे, टीएमसी में भगदड़ मची हुई है, टीएमसी का हर व्यक्ति वहां पे घुटन महसूस कर रहा है और उनको सबको, हर बंगाल का हर नागरिक, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है, स्वामी विवेकानंद की परंपरा पर जिसे गौरव की अनुभूति होती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की परंपरा पर जिसे गौरव की अनुभूति होती है,
क्योंकि बंगाल हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमि भी है। वह हर व्यक्ति बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए जो सुशासन के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, और जो वहां पे अराजकता और गुंडागर्दी का तांडव सत्ता प्रायोजित है, इन सब पर नकेल कसने के लिए अच्छी सरकार चाहिए, और वह भारतीय जनता पार्टी। इसके इतर एक एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।